मरहूम कलाकार सिद्धू मूसेवाला दे माता पिता दा दर्द हाले भी मठा नहीं पै रहा क्योंकि इंसाफ हाले तक मिलदा नज़र नहीं आया। सिद्धू मूसेवाला दे माता पिता इंसाफ नू लै के उम्मीद तो लाई बैठे ने पर किते ना किते उन्हां दा दर्द है जिहड़ा उह समय समय ते जरूर झलकदा है। भावें बेशक वक्ख वक्ख थावां तो लोग हज़ारां दी गिनती विच उन्हां दे नाल दुख सुख सांझा करन दे लई पहुँचदे ने, पर अज एक तस्वीर उदों सामने आई जदों रो के सिद्धू मूसेवाला दी माता चरण कौर ने अपना दुख बयान किया। खास करके सिद्धू मूसेवाला दी मंगेतर दे बारे उन्होंने पहली बार खुल के बोले और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके नाल उन्होंने ये दुख झलना औखा हो रहा। जिथे ही चर्चा यह सी कि जिस महीने सिद्धू मूसेवाला दा कतल किया गया कुछ समय बाद ही विआह किया जाना सी, पर उस कुड़ी दे बारे और उस परिवार दे बारे की बीतरी होवेगी सिद्धू मूसेवाला दे माता चरण कौर ने पहली बार खुल के बोलिया और दर्द बयान किया। बड़ी दुख दी गल है भी मेरा पुत मर गया, असि चल लैंदे असि ओदी गड्डी ओढ़ लैंदे, तुसी सारे जणे खुद इत्थे हाथ धर के देखो जिहड़ी मेरी नूह बनण वाली सी, किसे दी धी है किसे दी भैण है, सानू ओह सानू ओदी जिंदगी बारे देख देख के साडा पर जेड़ी अज ओदे परिवार नाल ते ओ बाणी किस्मताली नाल कीती है ना लोकां ने भी कीती है ना जेड़े तुसरले होए गंदे लोक है उहनां ने भी धीआं भैणां मामां हैगीआं ने। फिर मेरी पत्त लाया मैं तां कहिंदी रब करके जिहड़ा कोई इंसाफ नहीं दे रहा मेरे बच्चे नूं ओहदीआं धीआं भी इहीं बिलकुल जिहड़ियां ना इस पासे दी ना उस पासे दी। एक पासे सिद्धू मूसेवाला दे माता पिता दा ये दर्द समय समय ते जिवें सामने आउंदा रहा है उत्थे ही प्रशासन नू सरकार नू लगातार बेनतियां करदे नज़र आ रहे ने सिद्धू मूसेवाला दे परिवारक मैंबर, खास करके उन्हां दे माता ने फिर जोर दे के कहा कि जिहड़े कातल ने वो किन्नी देर बचणगे, कित्थे मूंह लुको के बैठणगे और चाहे वह किसी भी धरती से जाके चले जाण विदेशों में बैठ जाण पर इंसाफ वो लैके रहणगे। उन्होंने इत्थों तक कह दिता है अपने दुख दे विच कि जेकर उन्होंने इंसाफ शराफत दे नाल ना मिलिया तो फिर जुरत दे नाल इंसाफ लैणगे। और कैंडल मार्च कढ़न दीआं गल्लां भी हुण सामने आ रही ने, घर घर कैंडल मार्च होणगे, पिंड पिंड कैंडल मार्च होणगे। सिद्धू मूसेवाला दी माता ने इत्थों तक चेतावनी भी दित्ती है और उन्होंने पिता भी खुल के बोले ने कि आखिरकार जेकर इंसाफ नहीं मिलता तो अगला रस्ता की अख्तियार करनगे। लोगों का उन्होंने भरपूर साथ है और उन्होंने यह भी दावा किया कि जिस तरह लोग उन्होंने नाल खड़े ने तो इस करके उन्होंने भी हौसला बनया होया और वो इंसाफ लैके रहनगे। पर दो बंदे मारे नाल सानू कोई इंसाफ नहीं मिलता, उन्होंने मार नहीं छड़न सानू कोई लेना देना नहीं, उहदा किराए दे टट्टू सी है ना जिहड़े निक्के निक्के आ के 15 गिद्दड़ां ने मेरा कल्ला पुत घेर के उहदी पक्क दी बेअद कीती, उहदे केसां दी बेअद कीती, उहनां नूं रब कदे माफ नहीं करूगा। सानू बहुत माण है अपने पुत ते, रोज़ दी रोज़ आ के इन्ने लोग उहनूं श्रद्धांजलियां दिंदे ने, उहनूं किन्ना प्यार करदे ने, साडा तां हले जिउंदा है। जिवें मूसेवाला दे माता चरण कौर ने कहा है कि सिर्फ दो गैंगस्टर दा इनकाउंटर करन दे नाल इंसाफ काफी नहीं है, चाहे विदेशों दे विच बैठे होण कोई भी कातल, चाहे गोल्डी बराड का नाम होवे जां होर तमाम तरह के नाम जुड़े ने, चाहे लॉरेंस बिश्नोई होवे जिस जिसका भी उस कतल दे विच हाथ है, जेकर उन्हां नूं सज़ा नहीं दित्ती जांदी मिसाली तौर पर उदों तक मूसेवाला दे परिवारक मैंबरां दा कहना है कि सानू इंसाफ की उम्मीद नहीं है, उदों तक असीं उसनूं इंसाफ नहीं मनदे। तो हुण जिस तरह दीआं चुनौतियां जिस तरह के चैलेंज सरकार दे सामने भी ने, तो सरकार की सिरदर्दी भी कितें ना कितें वधेगी क्योंकि जेकर
सिद्धू मूसेवाले के परिवारक मैंबर सड़कों पर उतरते हैं तो उन्होंने नाल कल्ले नहीं होणगे, वो तमाम लोग होणगे जिहड़े सिद्धू मूसेवाले के प्रशंसक ने। जेकर इस तरह का माहौल स्थिति जां हालात पैदा होंदे ने तां फिर सरकार चाहे वह केंद्र की होवे चाहे सूबा सरकार भगवंत मान की सरकार उस दे सामने तमाम तरह दीआं चुनौतियां होणगीआं। हुण देखना होवेगा कि जो समय समय से तस्वीरां और बयान जां तकरीरां सामने आउंदीआं ने परिवारक मैंबरां दीआं उहनां नूं इंसाफ कदों मिलदा है, और यह भी समा दसेगा कि सरकार इस दे उत्ते जल्दी दे नाल जिहड़ा भी इंसाफ चाहुंदे ने परिवारक मैंबर उह कदों मिलदा है, ये आने वाला समा दसेगा। फिलहाल सिद्धू मूसेवाला के माता पिता बहुत दुखी ने और उन्हों का दुख घटाने के लिए किते ना किते ठोस कार्रवाई की जरूरत है। जेकर ठोस कार्रवाई होएगी तो ही मनिया जाएगा कि सिद्धू मूसेवाला के कातलों सज़ा दी गई और उन्होंने परिवारक मैंबरों इंसाफ मिले।